देश के बहुचर्चित रामचरितमानस विवाद में हाईकोर्ट ने रासुका के फैसले को सही ठहराया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस पर बयान देने के बाद सियासत में उबाल आ गया था। कई दिनों तक यह मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। स्वामी प्रसाद के हिंदू ग्रंथ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी हुए थे। हिंदुवादी संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले फूंककर विरोध जताया था। वहीं समाजवादी पार्टी को भी अपने नेता के इस बयान पर जन आक्रोश झेलना पड़ा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव से कड़ी आलोचना करते हुए तमाम संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालने की मांग भी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सियासी तौर पर काफी असहज हो गई थी। जैसे तैसे सपा नेताओं ने इसे स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी राय बताते हुए विवाद से पल्ला छुड़ाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद उनकी ही पार्टी से जुड़े दो कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक तौर पर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जला दी थीं। पूरे मामले को लेकर लखनऊ के PGI थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। DM ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की संस्तुति की थी। DM के रासुका वाले आदेश को प्रतियां फाड़ने वाले दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रामचरितमानस फाड़ कर जलाने वाले आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश देवेंद्र प्रताप यादव व सुरेश सिंह यादव की याचिकाओं पर दिया। पूरे मामले को लेकर दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि आपराधिक साजिश के तहत सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस ग्रंथ पर की अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके समर्थन में देवेंद्र प्रताप व अन्य ने वृंदावन कॉलोनी में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जला दी थी। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ा और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस की रिपोर्ट के तहत दोनों के खिलाफ जिलाधिकारी ने रासुका के तहत कार्रवाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने DM के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ सार्वजनिक स्थल पर दिन के प्रकाश में समाज के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा उनकी धार्मिक मान्यताओं व आस्था के अंतर्गत भगवान राम के जीवन के घटनाक्रम से संबंधित धर्म ग्रंथ का जिस प्रकार अपमान किया है, उससे समाज में आक्रोश व गुस्से का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। समाज में धार्मिक उन्माद व आक्रोश फैलने की स्थिति का परिदृश्य में आना, वर्तमान स्थिति में विशेषकर जहां मोबाइल फोन व सोशल मीडिया से समाज का लगभग प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक प्रतीत होता है। हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे देश में माहौल राममय बना हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले पर हिंदुवादी संगठनों ने खुशी जाहिर की है।